सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस आर बन रहा है फ्रॉम द जेड एक्सिस एंड दिस इज द शेडो ऑफ पॉइंट पी और इसका डिस्टेंस है आर फ्रॉम द ओरिजिन ओ। तो इस शेडो को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और इस पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ आर थीटा एंड जेड। आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस, थीटा इज द एंगल दिस एंगल और जेड है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इस डायग्राम में ये जो दो पॉइंट्स हैं इनसे अगर हम एक राउंड सा सर्कल ड्रा करें तो ये एक सिलेंडर बन जाता है। इस सिलेंडर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको डिफाइन करने के लिए हमें ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इस डायग्राम में जो पॉइंट पी है ये सबटेंड कर रहा है एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की एक साइड जो कि एक्स एक्सिस पे है उसको हम एक्स नाम दे देंगे और वो साइड जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसको हम वाई का नाम दे देंगे और ये वाली साइड इसकी आर कहलाएगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों साइडों पे अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो आर का स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, टेन थीटा बराबर हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई एक्स के। चूंकि ये एक्स बेस है एंड वाई इज अ परपेंडिकुलर, आर इज अ हाइपोटेन्यूस, तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। y इज द परपेंडिकुलर एंड x इज द बेस। अगर हम थीटा को एक साइड पर छोड़ दें तो tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x के बराबर हो जाएगा। sin थीटा इस ट्राइंगल में बराबर होगा y डिवाइडेड बाय r के, वेयर y इज द परपेंडिकुलर एंड r इज द हाइपोटेनस। तो y बराबर हो जाएगा r sin थीटा के, cos थीटा बराबर है x डिवाइडेड बाय r के, x इज द बेस एंड r इज द हाइपोटेनस। तो x को अगर हम एक साइड पे छोड़ें तो ये r cos थीटा के बराबर हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स में r sin थीटा के बराबर हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट r cos थीटा के बराबर हो जाएगा और थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x के। तो x y और थीटा के हिसाब से हम पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।